तो दोस्तों अगर आप 20,000 रुपये के प्राइस में एक ऐसा स्मार्टफोन खोज रहे हैं जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता हो, साथ में 120Hz का रिफ्रेश रेट मिले और गाइज 108 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही गाइज आपको 50W का आपको चार्जर देखने को मिलेगा और आपको फुल टाइम गेमिंग के लिए एक पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल सारी चीज़ें आपको काफ़ी बेस्ट देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बढ़िया स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर से हम फर्स्ट नंबर की ओर चलेंगे, उसके बाद लास्ट में दो और स्मार्टफोन के बारे में हम बताएंगे। तो थर्ड नंबर पे आता है गाइज रेडमी नोट 11S, जो कि लेटेस्ट स्मार्टफोन है। 21 फरवरी से आप इसे परचेस कर पाएंगे। 20,000 रुपए से नीचे काफी बेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिलता है। इसमें आपको 6.43 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विद 90Hz रिफ्रेश रेट। तो स्क्रॉलिंग और ग्राफिक्स में आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो काफी अच्छा है, डिस्प्ले आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलता है रेडमी नोट 11S की तरफ से। इसके कैमरा की बात करें तो क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। 108 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिलता है, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए और 2-2 मेगापिक्सल का माइक्रो और डेप्थ सेंसर मिल जाता है। तो काफी अच्छा है दोस्तों, कैमरा सेटअप तो आपको काफी बेस्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने आपको कहा था कि इस वीडियो में हमने जो सिर्फ 108 मेगापिक्सल कैमरे वाले फोन को सिलेक्ट किया है, साथ में आपको एमोलेड डिस्प्ले भी मिल जाएगा और एक अच्छा गेमिंग चिपसेट भी दिया गया है। तो दोस्तों इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, साथ में इसमें आपको जो सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। तो सेल्फी कैमरा इसमें आपको एवरेज देखने को मिलेगा। वैसे आने वाले फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, तो इसमें आपको सेल्फी कैमरा ओनली 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है, जो कि एवरेज है। और गाइस इसमें आपको बहुत सारे कैमरा फीचर देखने को मिलेगा, जैसे कि स्लो मोशन, पैनोरमा, टाइम लैप्स, बिटूमेट जैसे आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलेगा। साथ में आप फ्रंट कैमरे से 30fps पर 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और बैक कैमरे से 60fps पर 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। काफी अच्छा दिया गया है, रियर कैमरा का कैमरा सेटअप काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। बात करें बैटरी की तो 5000mAh का बैटरी मिलता है, साथ में 33W का चार्जर दिया गया है। तो काफी अच्छा है, चार्जिंग स्पीड भी आपको काफी अच्छा मिलेगा और बैटरी बैकअप भी काफी बेहतरीन दिया गया है। और गाइस गेमिंग के लिए इसमें मीडियाटेक हेलियो G96 का चिपसेट मिलता है, जो कि काफी बेहतरीन है। गेमिंग में काफी अच्छा है स्मार्टफोन, 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिल रहा है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, साथ में गेमिंग चिपसेट है। काफी अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। अभी इस फोन के प्राइस के बारे में नहीं कह सकते किस फरवरी से या इसे आप जो है परचेस कर पाएंगे, वैसे 20,000 रुपए से नीचे ही इसका प्राइस रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको एक लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए 20,000 रुपए से नीचे, तो आप इस फोन को परचेस कर सकते हैं, आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। अब सेकंड नंबर पे आता है रियलमी की तरफ से रियलमी 8 प्रो। 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको 19,999 रुपये में मिल जाएगा। 20,000 रुपये से नीचे रियलमी की तरफ से काफी अच्छा फोन देखने को मिल जाता है। अगर आप कैमरा, डिस्प्ले और गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो आपको जरूर इस फोन के साथ जाना चाहिए, प्लस इसमें आपको जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। गाइस बात करें इस फोन के स्पेसिफिकेशन की तो 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, लेकिन गाइस इसमें तो एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है लेकिन ओनली 60Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 180Hz का टच रिस्पॉन्स रेट मिलता है, तो काफी अच्छा देखने को मिल जाता है डिस्प्ले। बट सिर्फ 60Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। और गाइस कैमरा की बात करें तो रेडमी नोट 11S की तरह ही कैमरा सेटअप इसका देखने को मिलता है, क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए, प्लस 2-2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। तो दोनों फोन के कैमरे में आपको कोई भी डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा, कैमरा सेटअप आपको रेडमी नोट 11S की तरह ही देखने को मिलता है। लेकिन गाइस जो फर्स्ट नंबर का फोन है उसका कैमरा भी आपको बहुत ही ज्यादा बेस्ट देखने को मिलेगा, हर चीज उसमें जो है बेस्ट दिया गया है। साथ ही गाइज इस फोन के बारे में कहें तो इसमें आपको 4500mAh का बैटरी मिलता है, लेकिन इसमें आपको जो है 65W का चार्जर दिया गया है। तो चार्जिंग स्पीड आपको काफी बेस्ट देखने को मिल जाता है, तो अगर आप इस फोन को 15 मिनट भी चार्जिंग में लगा देते हैं तो 70-80% चार्ज हो जाता है। तो काफी अच्छा दिया गया है चार्जिंग स्पीड आपको, और 4500mAh का बैटरी मिल रहा है, तो बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। अगर आप फुल टाइम यूज करते हैं इस फोन को तो आप एक दिन तक आराम से यूज कर सकते हैं, अगर आप एवरेज यूज करेंगे तो आप 1.5 दिन तक इस फोन को आराम से यूज कर सकते हैं। बात करें प्रोसेसर की तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का एक चिपसेट मिलता है, जो कि गेमिंग के लिए काफी अच्छा है। हाई फ्रेम रेट में आप कोई भी गेम को प्ले कर सकते हैं, जैसे कि फ्री फायर, COD, PUBG, किसी भी गेम को जो है आप फुल टाइम प्ले कर सकते हैं। आपको कोई भी लैग का इशू देखने को नहीं मिलेगा और ना ही हीटिंग प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। काफी अच्छा स्मार्टफोन है रियलमी की तरफ से। लेकिन दोस्तों अगर इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट होता तो और भी अच्छा देखने को मिलता, बट इसमें आपको जो है सिर्फ 60Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। तो काफी अच्छा स्मार्टफोन है, फिर भी आप इस फोन को परचेस कर सकते हैं। अब फर्स्ट नंबर पे आता है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स। 20,000 रुपए से नीचे आप 6GB वाले वेरिएंट को परचेस कर सकते हैं। बात करें इस फोन के डिस्प्ले की तो 6.67 इंच का एक बड़ा सा एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है विद 120Hz रिफ्रेश रेट। काफी अच्छा इसका डिस्प्ले आपको मिलेगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी है, साथ में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। तो आप स्मूथली गेम प्ले कर सकते हैं, तो स्क्रोलिंग और ग्राफिक्स में काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। और दोनों फोन की तरह इसमें भी आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए, प्लस 5 मेगापिक्सल का इसमें आपको माइक्रो लेंस मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो इसमें आपको जो माइक्रो लेंस में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है दोनों स्मार्टफोन से, आपको
आपको माइक्रो लेंस इसका थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है। बट इसमें आपको जो है सेल्फी के लिए इसमें भी आपको 16 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा मिलता है और साथ में गाइस इसमें आपको 5020mAh का बैटरी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 5020mAh का बैटरी मिलता है और 33W का चार्जर दिया गया है, काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। और गेमिंग के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का एक चिपसेट मिलता है जो कि काफी अच्छा है। हाई सेटिंग में भी आप फुल टाइम गेमिंग करेंगे तो आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। काफी अच्छा स्मार्टफोन है रेडमी की तरफ से। सो दोस्तों, 20,000 रुपए से नीचे तीनों बेस्ट स्मार्टफोन, आप इन तीनों में से किसी को भी बाय कर सकते हैं। और गाइस हमने आपको कहा था कि 20,000 रुपए से नीचे दो और बेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिलता है, लेकिन सुपर एमोलेड डिस्प्ले ना होने की वजह से उसे हमने जो है सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन ये दोनों काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि है मोटो G60 और एक है MI 10i। काफी अच्छा स्मार्टफोन है, दोनों में आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, यानी कि कैमरा सेटअप अच्छा देखने को मिल जाता है दोनों स्मार्टफोन में। साथ में आपको जो है 5000mAh के तक का बैटरी मिलेगा और एक बेस्ट गेमिंग चिपसेट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन को भी चेकआउट कर सकते हैं, काफी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कीजिए और ऐसे स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।